देखिए क्वेश्चन हमारे पास 5 + 8 + 11 + 14... 22वें पद का योग होगा कह रहा है ना। कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसमें हमारे पास क्या एक सीरीज दी रहती है ना, ये जो पहला पद है ना, इसमें पहला पद इसको हम ले लेंगे ए, क्या ले लेंगे ए हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे फिर एक नया और आएगा, एक नया और आएगा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करेगा, तो हमें 22 पदों का योग निकालना है ऐसे ही, है ना। ये 22 जो है ना, ये पदों की संख्या है, इसको हम मान लेंगे एन, है ना, एन मान लेंगे। अब एक क्या होता है, इन दो पदों का अंतर कितना है, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा ना। तो एक होता है डी, डी निकालना होता है फॉर्मूले में, डी मतलब होता है सार्व अंतर, मतलब इन दो पदों का अंतर कितना है, 8 में से 5 घटाओगे 3, 11 में से 8 घटाओगे 3, 14 में से 11 घटाओगे 3, तो डी क्या आ जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है इसमें एपी में, SN का मतलब होता है पदों का योग, एस मतलब सम होता है ना, पदों का योग बराबर होता है n बाई टू, एन मतलब होता है क्या, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, ये लिखा ना, एन एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। कितने पद हैं इसमें, 22वें पद का है ना, 22 पदों का क्या निकालना है इसमें, योग निकालना है। अब टू, ये ब्रैकेट आ गया ना, एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 × d, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, एंड तो ए का मतलब होता है, मैंने पहले लिखा ए का मतलब पहला पद, ए का मतलब क्या होता है पहला पद, ये टर्म आप पता होने चाहिए पहले आपको। और डी का मतलब यहाँ लिख दिया मैंने, डी यहाँ से यहाँ आ गया, ये डी का मतलब सार्व अंतर, दो पदों का अंतर कितना है ना। अब एन मतलब होता है इसमें एन कितने हैं, ऐसे यहाँ दिया नहीं है, डॉट डॉट कर दिया, इसका अंदर और भी पद है, ऐसे फिर 14 के बाद फिर 17 आएगा, 17 के बाद फिर 20 आएगा, 20 के बाद फिर 23 आएगा, ऐसे मतलब 22 पद हैं टोटल इसमें, तो 22 पदों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला हो गया SN बराबर पदों का योग बराबर होता है n बाई टू, एन कितना है 22, 22/2 कर दिया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट 2a, 2 तो फॉर्मूले से आ गया, ए की वैल्यू कितनी है, ए जो हमारे पास यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 कर दिया प्लस, फॉर्मूले से प्लस आ गया, n-1, n मतलब होता है पदों की संख्या, इसमें 22 है, तो n-1 22 - 1 कर दिया, (d) का मतलब सारा सब इसमें अंतर कितना आएगा 3 का, ब्रैकेट क्लोज, तो 22/2, 2 से मैंने इसको कैंसिल किया तो 11 आ गया है, देखो ठीक है, 5 × 10 प्लस का प्लस, 22 में से 1 घटाओगे तो 21 × 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 3 = 63 आ गया, फिर ये आया ना। पहले ब्रैकेट को क्या कर लेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे तो यह जाएगा 73, 73 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 803 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें सही है। तो इस प्रकार के जो सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, SN बराबर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 × d, जहाँ d सार्व अंतर होता है, n पदों की संख्या होता है और a पहला पद होता है, ठीक है। SN का मतलब होता है पदों का योग, ठीक है। S का मतलब सम, सम माने होता है ऐड करना, है ना, सम माने प्लस करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।